नमस्कार, मैं अर्चना, दिल की बातें बाय अर्चना इस चैनल पे आपका स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज मैं सुबह ये जुजुबा तेल ऑयल और बादाम का ऑयल, आलमंड तेल मिक्स करके मैं हमेशा लगाती हूँ बालों को और चेहरे पे। तभी मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं इसी बारे में बात करूँ। ये मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, 1-2 महीने पहले। वैसे पहले मैं टमाटर का जूस लगाती थी और अभी भी लगाती हूँ, या तो बालों के लिए दही और काली मिरी का पाउडर लगाती हूँ। लेकिन हमेशा हमें एक्सप्लोर करना चाहिए नई नई चीज़ें, हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा है हमारे लिए। तो इसलिए मैंने अभी जब मैंने 1-1.5-2 महीने से ये चालू किया है, इसे ट्रिमेंडस फ़र्क मुझे नज़र आया। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आपको भी उसमें शामिल करूं मेरे अनुभव में। तो इसलिए मैं आज ये ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये जुजुबा ऑयल है, ये इसेंशियल ऑर्गेनिक होता है ये, और ये बहुत अच्छा है। ये कैलिफोर्निया और मैक्सिको में ये प्लांट्स होते हैं छोटे, तो उससे ये ऑयल निकाला जाता है। तो ये जो ऑयल है वो एंटी एजिंग, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट है। इसमें ई विटामिन इतनी भरपूर मात्रा में है कि ये एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। तो और एंटी एजिंग, ये जो अगर यहाँ एज से जो फाइन लाइन्स आती है, रिंकल्स आते हैं, वो कम हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी अगर आप मुझे अभी वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो थोड़े फाइन लाइन्स होंगे ही मेरे 67 की एज में। तो बहुत यंग तो नहीं दिखेंगे हम, लेकिन कम तो होते हैं। हर एक को अच्छा दिखना और सुंदर दिखना ये अपना हक है। हम लोग सुंदर दिखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये अगर घर में करे और इसका इतना इफेक्ट अच्छा हो तो क्यों ना करे, ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ ना, यहाँ मेरे बहुत पतले थे बाल, बहुत ही मतलब पूरा यहाँ स्काल्प दिखता था। तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी एक बार ट्राई करके देखूँ। तो मैं, और एक बात है, ये डायरेक्ट बहुत लोग यूज करते हैं जुजुबा ऑयल, लेकिन मैं आलमंड ऑयल के साथ यूज करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा इफेक्ट नज़र आया इसमें, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल ऑयल ऐसे भी होते हैं कि जो डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, लेकिन ये जुजुबा ऑयल है, यू कैन यूज़ डायरेक्टली ऑल्सो ऑन द स्किन और ऑन द फेस। बट मैं खुद नहीं यूज करती, मैं उसमें बादाम तेल मिक्स करती हूँ, तो डबल इफेक्ट हो जाता है। तो स्काल्प में आप इस तरह से मसाज करके बादाम तेल, और ये मैं इक्वल मात्रा में लेती हूँ। ये इसके बूंद जरा कम लेना है, क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनिक तो है ही, बट कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से इसके मतलब थोड़ा कम लगता है वो। तो इस तरह से स्काल्प में मालिश करके, मसाज करके, फिर 1-1.5 घंटे के बाद धो लीजिए बाल। बहुत सुंदर, मैं आज ही ये सब किया, सोचा मैं आपको भी बताऊं। उसी तरह से आलमंड ऑयल और ये जोजोबा ऑयल मैंने मिक्स किया। ये थोड़े बूंद लिए, डबल टेबल आलमंड ऑयल लिया और हाथ में लगा के इस तरह से मसाज किया मैंने। अभी देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ कि इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स कुछ है नहीं। कभी कभी इचिंग आ जाता है या स्मॉल पिंपल्स आ जाते हैं, ऐसे मैंने सुना है। मैंने तो, मुझे तो कुछ नहीं आया, बट हर एक का स्किन का टेक्सचर, हर एक का स्किन का क्वालिटी अलग अलग होता है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँ, कुछ भी, कोई भी ऑयल, कोई भी अलग ऑयल आप लगाते हो, तो पहले एक बार स्किन टेस्ट करके लेना बहुत अच्छी बात है। अभी फटी एड़ियों के लिए भी ये जुजुबा ऑयल बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट लगा लीजिए। आपका स्किन अगर ड्राई हो, इसका ई विटामिन के होने की वजह से ऑक्सीडेंट तो होता ही है, लेकिन ड्राइनेस जाता है ये जो अपने ठंडी में, या बहुत लोगों की पूरी ड्राई स्किन ही होती है, उसके लिए तो ये वरदान है।
और एजिंग का तो मैंने बता दिया है, ये जो डार्क सर्कल है वो कम हो जाते हैं। ये आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट यूज नहीं करती, मैं ये हमेशा आलमंड ऑयल के साथ यूज करती हूँ। आप चाहिए तो नारियल तेल या किसी और ऑयल के साथ मिक्स करके लगा दीजिए, और इसके मुझे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे, उल्टा बहुत जल्दी उसका इफेक्ट हो जाता है बालों के लिए भी स्किन के लिए भी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। इट इज़ वेरी पावरफुल, वेरी इफेक्टिव, और इट मेक्स आवर ब्यूटी एनहांस। सो प्लीज़ ट्राई इट, एंड आप कमेंट्स में लिख लीजिए कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं इसका। मुझे तो हो गया। थैंक यू।